बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्रीय महिला मंडल दल युवक संघ और स्थानीय लोगों ने तैयारियां शुरू कर ली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान कुबेर अपने नवनिर्मित मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, जिसे लेकर पांडुकेश्वर में स्वच्छता का अभियान चलाया गया है और 7 दिवसीय देवरा यात्रा के बाद मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। बता दें कि भगवान कुबेर की चाल विग्रह डोली शीतकाल के दौरान पांडुकेश्वर में विराजमान रहती है और 6 महीने भगवान बद्री बिस्वाल मंदिर में विराजमान रहती है। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, भगवान कुबेर का नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है और आज पूरे ग्राम पांडुकेश्वर के द्वारा इसका सफाई अभियान किया गया है, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है। आगामी आने वाली मकर संक्रांति को भगवान कुबेर अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी देश विदेश और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मकर संक्रांति के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचें। जय कुबेर। मकर संक्रांति को भगवान कुबेर जी यहाँ मंदिर में, उनका जो नव निर्माण हुआ है मंदिर का नव निर्माण, तो वो मकर संक्रांति को उनको यहाँ सिंहासन पे विराजमान किया जाएगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा शुद्धिकरण के तौर पे। और जब पंचमी के दिन जो देवरा होगा वो देवरा टाइप का होगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और आज हमने जो सफाई का काम किया है वो है महिला मंगल दल की तरफ से, वो है नव युवक मंगल दल की तरफ से और सरपंच जी की तरफ से। हमने एकजुट होकर के आज हमने सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है और सब बड़े तन मन धन से इस सफाई के कार्यक्रम को नया अंजाम दे रहे हैं।